तो हेलो दोस्तों, एक बार आ गया मैं फिर से मेरे यूसुफ खत्री व्लॉग में। तो आज हम बना रहे हैं मटन, जो है कि आज जुम्मा है। तो मैं बताता हूँ दोस्तों आपको। तो दोस्तों अभी इसको क्या है, थोड़ी सफाई कर रहे हैं दोस्तों, जो है कि सफाई हो रही है इनकी। दोस्तों देख सकते हो आप, छिछड़े वगैरह, गंदे चीज छिछड़े निकल रहे हैं इनके। अब इसको चढ़ाएंगे हम, बताता हूँ दोस्तों आपको। तो हाँ दोस्तों, मैं जा रहा हूँ, नमाज पढ़ गया। नमाज पढ़ने के बाद मैं आपको बताता हूँ दोस्तों पूरी रेसिपी का काम। हाँ दोस्तों, गोश्त को हमने धो लिया है, जो है कि अच्छे से सफाई करनी है। और ये लहसुन और एक प्याज भी है इसके साथ, जो है कि अब हम बताते हैं दोस्तों। बड़ी इलायची, दालचीनी, काली मिर्ची, दो तीन लौंग और ये छिला और तेजपान पत्ता ले लिया दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। हाँ दोस्तों, ये अदरक को पीस के पेस्ट बना लिया है दोस्तों। ये अदरक के पेस्ट को और लहसुन को और प्याज को मिक्स कर दिया दोस्तों। तो हमने हल्के आंच पे कुकर को चढ़ा दिया दोस्तों। अब इसके अंदर ऑयल ऐड होगा, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। हाँ दोस्तों, अब इसमें हम ऑयल ऐड कर रहे हैं। हाँ तो दोस्तों, हमारा तेल गर्म हो गया है, इसमें हम ये ऐड कर देंगे जो आपको मैंने बताया हूँ। तेजपान और दाल फूल, बैंगन का फूल हमने ऐड कर दिया दोस्तों। अब इसको अच्छे से थोड़ा 3 से 4 मिनट इसको थोड़ा कर लेंगे। अब इसके अंदर हम मटन ऐड कर देंगे दोस्तों। अब इसमें नमक ऐड करेंगे दोस्तों। अब इसमें 1 चम्मच हल्दी ऐड कर देंगे दोस्तों। इसको थोड़ा अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें प्याज, लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल देंगे दोस्तों। इसको हिला रहे दोस्तों, थोड़ा मिक्स कर रहे हैं, जो है कि कस वगैरह सब आ जाएगी। अब 2 मिनट हो गए, अब इसके अंदर और मिर्ची वगैरह ऐड करेंगे दोस्तों। अब इसमें उकाला आ गया है दोस्तों। अब इसके अंदर 1 चम्मच मिर्ची ऐड कर देंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये हमारा मटर, अब हमने इसकी लीड लगा दी है दोस्तों। कम से कम 3 से 4 प्रेशर आने तक इसको अच्छे से रखे रहने देंगे दोस्तों। इसमें हमने इसे ले ले 4 से 5, जो है कि अब ये गल चुका है। अब इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे दोस्तों। भुने चल रही होने वाली इसकी, ये हमारा गोश्त जो है कि अच्छा सा खासा जो है कि गल गया है। अभी जो अदरक लहसुन के जो पीसे दिख रहे हैं, अभी ये भी पिसाएंगे इसके अंदर। अभी चलो आ सकते, मैं आपको बताता हूँ। हाँ देख सकते हो आप कि अच्छे से भुंजे हो गए दोस्तों। अभी कम से कम इसकी 10 मिनट अपन और भुनाई करेंगे दोस्तों। जो है हमारे अच्छी से जो है उसकी हो गए भुने दोस्तों, आप देख सकते हो खुशबू तो खतरनाक आ रहा है दोस्तों। तो ये हमारा मटन हो गया रेडी दोस्तों। और ये हमारी गरम गरम जो है कि रोटी भी बन रही है साथ में। तो ये देख सकते हो आप रोटी की खूबसूरती। तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब करना दोस्तों।